रियल स्टेट इंडस्ट्री में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रही है 2024 की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 2-3 महीने से लेकर आने वाले साल में क्या होने वाला है, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। अगर आप रियल स्टेट इंडस्ट्री में हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है कि ट्रेंड्स को समझते रहना। मार्केट कैसे मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किन चीजों की डिमांड बढ़ने वाली है, ये सब अगर आपको पता है तभी आप एक सफल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर हो, डेवलपर हो, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर हो, इन्वेस्टर हो, बायर हो, सेलर हो, रेंटल एजेंट हो, आपको मार्केट को समझते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। बहुत रिसर्च करने के बाद मैं मेरी टीम ये कंटेंट आपके लिए लेकर आती है, और ऐसा ही रिसर्च बेस्ड कंटेंट हमने हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर में भी आपके लिए लाया, और जिसे आपने नेशनल बेस्ट सेलर बनाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला ट्रेंड, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट 2024 और रियल एस्टेट को ध्यान में रखते हुए, लग्जरी होम का प्रेफरेंस। यस, लग्जरी होम्स का डिमांड बढ़ रहा है, लग्जरी लेआउट्स का भी डिमांड बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा लेवल पे लोग लग्जरी होम्स को, लग्जरी लेआउट्स को प्रेफर कर रहे हैं। जहाँ बहुत ज्यादा लेवल पे उन्हें फैसिलिटीज मिलती हो, एमिनिटीज मिलती हो, भले ही वो थोड़े महंगे क्यों ना हो। आप देख रहे होंगे कितने ऐसे आर्टिकल प्रिंट हो रहे हैं जहां आपको बताया गया कि 6 करोड़ रुपए के हिसाब से टाउनशिप लॉन्च की गई, 400 फ्लैट थे, 2400 करोड़ का सेल हो गया गुड़गांव नोएडा में सिर्फ कुछ दिनों में, DLF के प्रोजेक्ट का वो आर्टिकल था। ऐसे ना जाने कितनी केस स्टडीज है देश में, मुंबई हो, पुणे हो, बैंगलोर हो, कलकत्ता हो, जो भी बड़ी सिटीज है जहां रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ रही है, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, यहां पर आप देखेंगे लग्जरी होम्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है। और टीयर वन के साथ साथ टीयर टू सिटीज में भी, ग्रोइंग सिटीज में भी लग्जरी होम की बहुत डिमांड बढ़ रही है। तो अगर आप ट्रेंड को समझना चाहते हैं तो लग्जरी होम्स को समझना शुरू कीजिए, लग्जरी प्रोजेक्ट्स को जानना समझना शुरू कीजिए। और अगर आप लग्जरी होम्स में काम नहीं कर रहे थे तो धीरे धीरे हो सकता है आपको लग्जरी होम्स में काम शुरू करना पड़ेगा, एज अ चैनल पार्टनर, ब्रोकर, एजेंट्स, मार्केटिंग एजेंसी। सेकंड ट्रेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एमिनिटीज। यस, एमिनिटीज का डिमांड बढ़ रहा है, ये भी एक बहुत ट्रेंडिंग चीज हो रही है। जरूरी नहीं है बड़ी टाउनशिप, अगर सिंगल टावर भी और टॉप फ्लोर पे अच्छी एमिनिटीज है तो भी लोग प्रीफर कर रहे हैं। अगर बहुत प्रीमियम लग्जरी टावर बना है और पहले और दूसरा फ्लोर में एमिनिटीज है और उसके बाद से फ्लैट शुरू होते हैं तो भी लोग बहुत प्रीफर कर रहे हैं। एमिनिटीज का मतलब सिर्फ बड़ी टाउनशिप ही नहीं दोस्तों, अगर अपार्टमेंट में भी कुछ अच्छी एमिनिटीज दी जा रही है, कुछ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, कुछ अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही है तो लोग उसे बहुत प्रीफर कर रहे हैं। और लास्ट 2-3 महीने से ये ट्रेंड आपको और ज्यादा देखने मिलेगा और 2024 के एंड तक और ज्यादा देखने मिलेगा, हो सकता है 2025 तक भी कंटिन्यू रहे। और अगर आपको 2023 की लेटेस्ट ट्रेंड नहीं पता थी तो हमने इस पे एक वीडियो बनाया था, इसे जरूर देखिए ताकि आपको पता चलेगा ईयर ऑन ईयर इंडस्ट्री कैसे चेंज होती है, क्या ट्रेंड्स आती है, क्या ट्रेंड्स जाती है, ये आपको जानते रहना बहुत जरूरी। थर्ड, हाइब्रिड प्रोजेक्ट का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। हां, हाइब्रिड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जब एक बड़े लैंड में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, जरूरत पड़ने पर ऑफिसेस के अलावा कोई होटल, ऐसे प्रोजेक्ट्स का प्लानिंग अब आप देखेंगे इस साल आपको बहुत ज्यादा, पिछले कुछ महीनों से तो दिख ही रहा है, आने भी आगे भी देखने मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, जैसे ही सबसे रिसेंट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए अयोध्या, जिस तरह से अयोध्या में रियल एस्टेट का ग्रोथ और डेवलपमेंट देखा गया, जितना फास्ट अयोध्या में रियल एस्टेट ग्रो हुआ है शायद ही भारत के इतिहास में किसी सिटी में इतने कम समय में इतना फास्ट रियल एस्टेट के प्राइसेस ग्रो हुए हो। तो वहाँ हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स बहुत आ रहे हैं, बड़ी सिटीज में हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो एक बड़े लैंड के अंदर ही रेजिडेंशियल, वहाँ पर कुछ कमर्शियल ऑफिसेस एंड शॉप, और वहीं पर कमर्शियल होटल अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकम तो वहां पर होटल से या सर्विस अपार्टमेंट से आने वाली है, और उसी प्रोजेक्ट में हो सकता है कुछ प्लॉट्स भी हो। सो प्लॉट्स का, होटल्स का, कमर्शियल ऑफिसेस का या सर्विस अपार्टमेंट के कॉम्बिनेशन वाले प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और आने वाले समय में आपको और देखने मिलेंगे अलग अलग जगह पे। लोगों की डिमांड के हिसाब से मार्केट चेंज होता है दोस्तों, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के हिसाब से। और जैसा आप सब जानते हैं कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पे मैंने डॉक्टरेट डिग्री किया रियल एस्टेट में, सो रियल एस्टेट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पे ही मेरा PhD है, जो एक फुल टाइम डिग्री मैंने की है। सो मैं पूरा एक्सपर्टाइज कोशिश करता हूँ अपने वीडियोज में आप तक पहुंचा पाऊँ। लेकिन इसके अलावा भी कोई ट्रेंड आपको लग रहा है तो जरूर पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर हमें बताना, हम जरूर आने वाले समय में हो सके उसमें वीडियो लेकर आए। दोस्तों आपने पॉइंट नंबर 3 तक तो समझ लिया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को हिट करना ना भूले। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत इम्पैक्ट होता है, हमें बहुत फर्क पड़ता है। आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन बहुत इम्पैक्ट करता है, क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते आपका इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड कॉन्टेंट रियल एस्टेट में कभी मिस हो। बहुत सारे लोग कॉन्टेंट पसंद करते हैं, देखते देखते इतना भूल जाते हैं कि कॉन्टेंट तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूले। चौथा, गेटेड कम्युनिटी। दोस्तों गेटेड कम्युनिटी का डिमांड बहुत बढ़ रहा है,
छोटे छोटे शहरों में भी लोग गेटेड कम्युनिटी में रहना पसंद कर रहे हैं, भले वो गेटेड कम्युनिटी छोटी हो, 50 फ्लैट का प्रोजेक्ट हो, थोड़ी सी जगह में बनाओ 20,000 50,000 फुट में, 100-200 फ्लैट का प्रोजेक्ट हो, 1,00,000 फुट में बना हो, 400-500 फ्लैट का प्रोजेक्ट हो, मान लीजिए 5 एकड़ 7 एकड़ में बनाओ, लेकिन गेटेड कम्युनिटी का डे बाय डे डिमांड बढ़ रहा है भारत में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो समझना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट लेआउट्स में भी ओपन लेआउट से ज्यादा डिमांड गेटेड लेआउट्स की है। मान लीजिए कोई छोटा लेआउट है 3 एकड़ 4 एकड़, वो गेटेड नहीं है तो डिमांड थोड़ी कम है। बड़ा लेआउट है 10 एकड़ 20 एकड़, पूरा गेटेड कॉलोनी जैसा बना हुआ है, अंदर पूरी एमिनिटीज है, डेवलपमेंट है, फैसिलिटीज है, तो उसकी डिमांड ज्यादा है। तो ये एक रीसेंट ट्रेंड और है जो इंडस्ट्री में आपको अभी देखने मिल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में भी बहुत ज्यादा देखने मिलने वाला है। फिफ्थ, REIT। हाँ दोस्तों, मेट्रो सिटीज में स्पेशली REIT क्या है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया कि कैसे छोटा अमाउंट लगाकर भी 2,000, 5,000, 10,000, 500 रुपए में भी आप रियल स्टेट के अलग अलग जगह कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा डिमांड बढ़ने लगा है, मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मेट्रो सिटीज में लोगों को थोड़ा समझ आ गई है तो वो फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, और REIT का इस साल हो सकता है आपको थोड़ा और ज्यादा डिमांड देखने के लिए मिले। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है जो अलग अलग तरीके से REIT फंड्स लेकर आ रही है रियल स्टेट में, आपको रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट के मौके दे रही है, ऑफिस खरीद सकते हैं आप REIT के थ्रू। ये सब चीजें आपको 2024 में और ज्यादा बड़े लेवल पे शायद देखने मिलेगी। छठवां सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है अफोर्डेबल हाउसिंग। आप कहेंगे सर पहले तो आपने प्रीमियम कहा था, बिल्कुल प्रीमियम का डिमांड तो बढ़ ही रहा है पर कुछ सिटीज में, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में अगर कुछ बढ़ रहा है तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग का डिमांड छोटे से छोटे गांव में भी। क्यों? क्योंकि एंट्री बजट में अगर आप देखेंगे तो 85,400 करोड़ रुपए का स्पेशल PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक स्पेशल बजट सैंक्शन किया गया है, जिससे एक बूस्ट मिलेगा अफोर्डेबल हाउसिंग को। एज भारत की पॉपुलेशन आप जानते ही है जैसे बढ़ रही है, उस तरह से घर का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग भी 2024 में या एक बहुत लेटेस्ट ट्रेंड आप बोल सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे मूवमेंट बहुत सारे चेंजेस देखने मिलेंगे। पूरे पॉइंट्स तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और ट्रेंड के बारे में हमें कवर करना तो जरूर बताइए, अगले वीडियो में हम वो भी कोशिश करें। अभी तक आपने जो प्यार हमें दिया, जो सपोर्ट हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद।